तो हमने खेल में क्या कर देना बताइए बिट्टू भाई, बात है कोई खेल नहीं है तो मैं तो सीटों पर बैठा था साहब, लड़ते लड़ते वो तो सीटों पर बैठा हुआ अपने घर के सामने, घर के सीटों पर आप बोले तो पॉइंट दे दिया ना, घर के ऊपर बैठा हुआ था। चेहरा दिखा दो बस, चेहरा दिखा दो बस, जुगल किशोर चल पिताजी नाम का भैया मथिला मौजूद है का? नहीं सभी 5:18 शाम 6:30 की बात है, वहाँ पर सूरजगढ़ गेट के अंदर जुगल किशोर का बच्चा कुणाल 5 वर्ष का जो खेल रहा था वो बेजा लड़ते लड़ते उस बच्चे को घायल कर दिया जिसकी आज मृत्यु हो गई। पौने 7 बजे की बात है, बच्चा मतलब अपने घर के सामने मतलब सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, सूरजपुर गोपालगढ़ की तरफ से सूरजपुर गेट के पास में उनका घर है, ये मेरे मतलब छोटे भाई का बच्चा था, उधर से कम 10-12 मतलब बिजार आए थे और आकर के वहाँ लड़ने लग गए थे, बच्चा सीढ़ियों पर अपने वहाँ बैठा था तो जब लड़ने लगे थे तो एक बिजार उनमें से आकर के बच्चे के ऊपर आकर गिर गया तो उसमें क्या है कि बच्चा उसके नीचे दब गया, तो जब बिजार उस जगह से खड़ा हुआ तो उसके पेट पे और शरीर पे मतलब पैर बगानों से कुचल दिया उसको, उसकी बुरी हालत हो गई, फिर हम उस बच्चे को लेकर के RBM हॉस्पिटल आए, यहाँ से मतलब SMS जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया, उसके बाद में फिर हम संतुष्टि नहीं हुई, उसके बाद में हम जिंदल हॉस्पिटल लेकर के गए, रास्ते में मतलब फिर हम वहाँ से लेके आए, उन्होंने सोनोग्राफी वगैरह के लिए तो उसके बाद में फिर हमने देखा कि सोनोग्राफी के लिए मना कर दिया कि सोनोग्राफी बंद हो चुकी, सोनोग्राफी नहीं होगी, RBM हॉस्पिटल के कैंपस तक आए और यहाँ पर बच्चा एक्सपायर हो गया था, ये नगर निगम की लापरवाही है, मेरी नगर निगम से ये निवेदन है कि वो इस कार्रवाई को या उस घटना को मतलब गंभीरता से ले और जितने भी शहर में मतलब आवारा पशु झूल रहे हैं इनको मतलब तुरंत बंद किया जाए जिससे कि मतलब आम जनता को राहत मिले, ऐसे आगे की कोई घटना ना हो। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह।